नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल स्टडी स्टफ्स ऑनलाइन में। आज अपने इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो पर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप सभी को कैसे लगी। तो आइए देखते हैं अपने सवाल। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल का नाम पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस में है पीजे थॉमस, के वेणुगोपाल, बी है, सी में दिया हुआ है एम एन कृष्णा मनानी और डी में जो हुआ है नरीमन करके नाम, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर है वो है बी, के वेणुगोपाल। तो ये कोट्टायम कटंकोट वेणुगोपाल इनका जो पूरा नाम है, यानी कि के वेणुगोपाल जो है उनको भारत का नया अटॉर्नी जनरल जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, IEA के अनुसार किस वर्ष तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी की बात की है इन्होंने, रेन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है, ठीक है, IEA के अनुसार किस वर्ष तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वो दुगनी यानी डबल हो जाएगी। ऑप्शंस में 2019 तक, नेक्स्ट है 2020 तक, उसके बाद 2021 और फिर है 2022 तक। जो इसका आंसर है वो है 2022 तक। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यह बताया गया है कि जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 का विश्व शिक्षक दिवस का थीम क्या था। 2017 में जो वर्ल्ड टीचर्स डे होता है उसके थीम के बारे में इन्होंने पूछा है। इसमें ऑप्शंस में है कि अ कॉल फॉर टीचर्स, ऑप्शन ए है, बी में दिया हुआ है वैल्यूइंग टीचर्स इंप्रूविंग देयर स्टेटस, सी में दिया हुआ है वैल्यू टीचर्स एंड एम्पावर टीचिंग, और जो डी है वो है टीचिंग इन फ्रीडम एम्पावरिंग टीचर्स। तो जो इसका आंसर है वो है डी, यानी कि टीचिंग इन फ्रीडम एम्पावरिंग टीचर्स। और अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखें तो जो विश्व शिक्षक दिवस होता है यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि जो भारत में जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर जो है मनाया जाता है। अगला सवाल है, वर्ष 2017 का वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन मनाया गया, ठीक है। इन्होंने विश्व जो एनिमल डे है उसके बारे में पूछा है कि किस दिन को मनाया गया था 2017 में। ऑप्शंस में दिया हुआ अक्टूबर 5, अक्टूबर 4, अक्टूबर 6 और अक्टूबर 1। जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि 4 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड एनिमल डे यानी कि WAD जो है वो मनाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का निम्न में से कौन सा ट्राइब जिला, ठीक है, इन्होंने ट्राइब डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है। ODF यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है, तो यानी कि खुले में शौच से मुक्त, ODF पूछा है, खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ है राजस्थान की ट्राइब जिले के बारे में पूछा है। ऑप्शंस में है टोंक, बी दिया हुआ अजमेर, सी है चुरू और जो डी है वो है डूंगरपुर। तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि डूंगरपुर। जो डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें तो इन राजस्थान डूंगरपुर हैज़ बिकेम द फर्स्ट ओपन डिफेक्शन फ्री ट्राइब डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी कि खुले में शौच से मुक्त जो ट्राइब जिला है राजस्थान का वो सबसे पहला जिला जो है वो उसका नाम है डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 का शांति का नोबल पुरस्कार, पीस का जो नोबल प्राइज है 2017 का, वो किसको दिया गया है, इसमें पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस में है IUCN, उसके बाद है ICAN, फिर वर्ल्ड बैंक और लास्ट में दिया हुआ है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, ठीक है। जो आंसर है इसका वो है बी, यानी कि ICAN। अगर मैं ICAN के फुल फॉर्म के बारे में देखूं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वीपन्स, ठीक है, यानी कि ICAN को वर्ष 2017 का शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आज ही वित्त मंत्रालय ने सेविंग स्कीम्स के लिए, ठीक है, वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेविंग स्कीम्स के लिए किसे अनिवार्य कर दिया है, जिस चीज़ को मैंडेटरी बनाया है उसके बारे में जो है पूछा है इन्होंने। ऑप्शंस में दिया हुआ है पैन कार्ड, उसके बाद है वोटर आईडी, फिर है आधार कार्ड और दिया हुआ है उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो जो सी है यानी आधार कार्ड, उसको जो है सरकार ने मैंडेटरी किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसमें यह है कि आधार कार्ड को सारे ऑफिस डिपॉजिट्स, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में देखूँ, ऑफिस डिपॉजिट्स, PPF, ठीक है, उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और किसान जो विकास पत्र है, सभी के लिए जो है अब आधार कार्ड को अनिवार्य यानी मैंडेटरी बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आज ही संपन्न हुए 14वें भारत और जो EU यानी यूरोपियन यूनियन समिट में कितने समझौतों पर जो है जो एग्रीमेंट्स हैं, कितने एग्रीमेंट्स पे जो है साइन हुए हैं, कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 14वें जो समिट हुई थी। ऑप्शंस में है 5, 6, 3 और 4। जो इसका उत्तर है वो है 3, यानी कि सी, ठीक है। तो
जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच नई दिल्ली में जो ये समिट हुई है उसमें तीन समझौतों पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मीना केतन दास, इसमें नाम दिया हुआ है मीना केतन दास जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म एक्टर थी, उनका संबंध किस फिल्म इंडस्ट्री से था? मीना केतन दास का नाम पूछा है, जो एक फिल्म एक्टर थी जो है उनका संबंध किस फिल्म इंडस्ट्री से था? ऑप्शंस में है तमिल, बी दिया हुआ है बंगाली, सी दिया हुआ है तेलुगु, और जो डी है वो है उड़िया। तो जो हमारा आंसर है वो है डी, यानी उड़िया। अगर मैं मीना केतन दास की बात करूँ जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म एक्टर थी, उनका संबंध जो है उड़िया फिल्म इंडस्ट्री यानी कि उड़ीसा से, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से था। अगला क्वेश्चन है, पूजा कादियान किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शंस में दिया हुआ है बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस और वोशु। ठीक है, ये चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें जो सही है वो है डी, यानी वुशु से। जो पूजा कादियान है इन्होंने, ये पहली जो है भारतीय महिला बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल, ठीक है, क्लिंच अ गोल्ड मेडल जो है, गोल्ड मेडल जीता है वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला के स्टैंडा कैटेगरी में, ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग हराया है किसको इन्होंने, एव जीनिया स्टेपोनोवा, इनको हरा के जो है कजान में जो हो रहा था, ठीक है, ये वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, जिनका नाम पूजा कादियान है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।